कक्षा सातवीं विषय संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे अष्टदशा पाठ सुभाषतानी। पहला श्लोक है इसका, यथा यथा ही पुरुषा कल्याणे करते मनः तथा तथा सर्वथा सिद्ध्यन्ते नात्र संशय। इसका अर्थ है, व्यक्ति जैसे जैसे मन में कल्याण की भावना करता है वैसे वैसे उसके कार्य सफल होते हैं, इसमें शंका नहीं है। दूसरा श्लोक, ईर्षा घृणी ना संतुष्टा क्रोधिनो नित्य संकिता पर भाग्यो पर जीवी चा सिडेते नित्य दुखिता। इसका अर्थ है, ईर्षा करने वाला, घृणा करने वाला, कभी संतुष्ट ना होने वाला, क्रोधी, संकालु तथा दूसरे की किस्मत का खाने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। तीसरा श्लोक, राष्ट्रम मम पिता माता प्राणा स्वामी धनम सुखम बंधु राप्ता सखा भ्राता सर्वस्वम में स्वराष्ट्रकम। इसका अर्थ है, राष्ट्र मेरा पिता माता प्राण स्वामी धन सुख रिश्तेदार भला चाहने वाला मित्र भाई सब कुछ है। चौथा श्लोक, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र से देते मम बांधवा। इसका अर्थ है, सत्य माँ, ज्ञान पिता, धर्म भाई, दया मित्र, शांति पत्नी और क्षमा पुत्र, ये छह मेरे रिश्तेदार हैं। पांचवा श्लोक, वर मे को गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख सतान यापी एकस्त चंद्रहस्तो हंती नाचा तारा गणा आपी। इसका अर्थ है, एक गुणी पुत्र अच्छा है, ना कि सैकड़ों मूर्ख पुत्र। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे का नाश करता है, ना कि तारों का समूह। एक पदिन प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। पहला प्रश्न, कति जला नित्य दुखिता, कितने लोग हमेशा दुखी रहते हैं, तो आएगा षड। दूसरा प्रश्न, कस्य विद्या विवादाय भवति, किसकी विद्या विवाद के लिए होती है, तो खलस्या, यानी जो लोग बुरे व्यक्तियों की विद्या विवादित होती है। तीसरा, साधो शक्ति किमर्थ भवति, सज्जन की शक्ति किस लिए होती है, तो रक्षणाय यानी रक्षा करने के लिए होती है। प्रश्न दूसरा, विलोमा पदानी लिख, विलोम शब्द लिखिए, तो पुरुष का क्या होगा, स्त्री। दूसरा, सौभाग्यम का दुर्भाग्यम, विद्या का अविद्या, पिता का माता, धर्म का अधर्म, पति का पत्नी, मूर्ख का विद्वान, पुण्य का पापम, संतुष्टा असंतुष्टा, दुखम सुखम, ज्ञानम अज्ञानम, भ्राता भगनी, सत्यम असत्यम, पुत्र पुत्री, उपकार अपकार। इसी प्रकार ये पाठ पूर्ण हुआ।